नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की मौत। लखीमपुर से लखनऊ जा रहे थे, कार में हार्ट अटैक से हुए बेहोश। गाजियाबाद में लिफ्ट में कुत्ते ने बच्चे को काटा, दर्द से कराहता रहा बच्चा, चुपचाप खड़ी रही मालकिन, सीसीटीवी घटना कैद। हमीरपुर में बाढ़ और बारिश के बाद बढ़ी संक्रामक बीमारियां, स्वास्थ्य विभाग की दो टीमें गांवों में पहुंची। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर फिर भ्रष्टाचार का आरोप, दो लोगों की बातचीत में भर्ती के लिए रुपयों के लेन देन की बात। गोंडा में लड़कियों को ले जाकर धर्म परिवर्तन का प्रयास, लखनऊ की नाबालिग व गोंडा की युवती बरामद, तीन आरोपी भी गिरफ्तार। कानपुर देहात में दो शातिर बदमाश गिरफ्तार, 1.25 किलो गांजा और तमंचा बरामद। जौनपुर में सीएमएस के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, डिप्टी सीएम ने फार्मासिस्ट को निलंबित करने का दिया निर्देश। गाजियाबाद में एमपी के युवक को मिली जली हुई लाश, कल शाम से लापता था राजमिस्त्री। बदायूं में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने लगाया हत्या के बाद शव लटकाने का आरोप। फरुखाबाद में नहीं लगेगा पशु मेला, बॉर्डर के गांवों में पशुओं में लंपी वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, दो गिरफ्तार, लूटी गई रकम और अवैध हथियार बरामद। सड़कों से मुगल शासकों के नाम हटाने की मांग, भाजपा नेता बोले पांडवों के नाम से हो इंडिया गेट से जुड़ने वाले मार्ग। प्रयागराज में महिला ने खुद को लगाई आग, बीमारी से तंग आकर की खुदकुशी, बंद मकान के बरामदे में मिला लाश। लेवाना होटल अग्निकांड, लखनऊ में होगने कांड के बाद मथुरा में दमकल विभाग होटल धर्मशाला की करेगा चेकिंग। फतेहपुर में दो महिलाओं को सांप ने काटा, परिजनों ने दोनों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। ई बिजनेस के कारण खुदरा व्यापार हो रहा चौपट, वाराणसी में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। गाजियाबाद के लोनी में सर्राफ की गोली मारकर हत्या, लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने झोंका फायर, भीड़ ने किया पथराव। बिजनौर में चोरों का आतंक, किसान के घर से चांदी के सेट समेत हजारों का ले गए सामान। सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष पर लखनऊ में केस दर्ज, पति और ससुर पर 57 लाख लेकर जमीन ना बेचने का आरोप। मथुरा के मांट में किसान को बंधक बनाकर डकैती, 5 बदमाशों ने पीट कर किया बेहोश, नगद और जेवर लेकर फरार।
स्कूली बच्चों ने अनमय की 1 लाख की मदद। आप सांसद संजय सिंह ने भी दिया 1 लाख। कटका क्लब जुटा रहा चंदा। आगरा में शराब ठेके में कैंटीन संचालक ने पकड़कर पीटा, मामूली कहासुनी पर चले लात घूंसे। स्कूल गेट पर छात्रों के प्रार्थना करने का वीडियो वायरल। इटावा के एक स्कूल में समय से नहीं पहुंचे टीचर। मुख्तार के गुर्गे श्याम बाबू को 8 साल की सजा। आजमगढ़ के बिरियागंज और तरवास में दर्ज मामले की हुई सजा। बरेली में अवैध कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर। राधा माधव स्कूल के पास बनाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। मुरादाबाद के होटलों में चेक किया फायर फाइटिंग सिस्टम। लखनऊ के होटल अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग अलर्ट। मुजफ्फरनगर में दो पक्षों में मारपीट, 12 से अधिक घायल। छेड़छाड़ का लगाया आरोप। गांव बाननगर में देर रात की घटना। नाबालिग से रेप करने वाला कारपेंटर फरार। मुरादाबाद में रेप पीड़िता ने ऑडियो वायरल होने पर कर ली थी आत्महत्या। लखनऊ के केजीएमयू में आज ओपीडी बंद। हजारों मरीजों के इलाज पर संकट। कर्मचारी और शिक्षकों का शुरू हुआ आंदोलन। लेवाना होटल अग्निकांड में एलडीए के 22 इंजीनियर जिम्मेदार। लिस्ट में मौजूदा अधिकारी इंजीनियर को क्लीन चिट। अलीगढ़ में पेड़ पर लटका मिला छात्रा का शव। परिजनों ने हत्यारे की फांसी की रखी डिमांड। नौकरी की चाह में जिंदगी दांव पर लगा रहे युवा। औरैया में नशे के इंजेक्शन और दवाई खाकर दौड़ रहे अभ्यर्थी। बलिया में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शिक्षकों को किया सम्मानित। औरैया में किसान का शव कुएं में मिलने से गांव में हड़कंप। ग्रामीणों ने हत्या की जताई आशंका। बुलंदशहर में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा होने से टला। शिकायत के बावजूद बिजली विभाग नहीं जागा। औरैया में शव मिलने से हड़कंप। ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गाजीपुर में जंगीपुर विधानसभा को 51 किलोमीटर की सड़कों का तोहफा। विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने सांसद का जताया आभार। हमीरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल। रुपए देने से मना करने पर सरकारी एम्बुलेंस चालक ने महिला को बीच जंगल में उतारा। कानपुर पनकी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। मंगल आरती के बाद मंदिर में शुरू हुए दर्शन। लखनऊ प्रेस क्लब में हुआ शारदेय प्रकाशन की पुस्तकों का लोकार्पण। समारोह की अध्यक्षता प्रसिद्ध समाजसेवी मनोरमा लाल ने की। कानपुर में रंजिश के चलते युवक की हत्या। वीडियो के आधार पर आरोपियों की हुई गिरफ्तारी।
प्रयागराज में सरकारी सुविधाओं का लाभ पाने के लिए ब्लॉक मुख्यालय का चक्कर लगा रहा दिव्यांग, सरकारी लाभ से वंचित है सैकड़ों लोग। संभल में चोरों ने एक दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं को दिया अंजाम, ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ दिख रहा आक्रोश। प्रयागराज में गणेश उत्सव की धूम, घर घर बप्पा का हो रहा गुणगान, घर घर में विराजित सिद्धि विनायक। संभल में लचर कानून व्यवस्था को लेकर पलायन करने के लिए मजबूर पीड़ित परिवार, पुलिस पर कार्रवाई ना करने का लगा आरोप। सिद्धार्थनगर में 5 बार विधायक रहे सपा के पूर्व मंत्री मलिक कमाल यूसुफ का निधन, गार्ड ऑफ ऑनर की दी गई सलामी। सीतापुर में प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट पर मारा छापा, प्रशासन की देर रात के छापे से व्यापारियों में मचा हड़कंप। अलीगढ़ में स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल टकराने के बाद लगी आग, स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल जलकर हुई खाक। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में घायल अवस्था में मिली नाबालिग किशोरी, मौके से एक बाइक सवार की हुई बरामद। बलिया में वकील पर हुए हमले का मामला, वकील की पत्नी ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई ना करने का आरोप। अलीगढ़ में 20 सड़क पर पति पत्नी के बीच हुई जमकर मारपीट, स्थानीय लोगों ने मुश्किल कर बचाया बचाओ। लेवाना होटल में भीषण अग्निकांड के मामले में मुकदमा दर्ज, रोहित अग्रवाल और सागर श्रीवास्तव जेसीजेएम कोर्ट में हुए पेश। अलीगढ़ में पुलिस के सामने जमकर हुई मारपीट, मूकदर्शक बनी नजर आई पुलिस, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर में सराफा व्यापारी की दुकान से लाखों की चोरी, रात के अंधेरे में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। केजीएमसी प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बयान, कहा जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्नाव में युवक ने गोली मार कर की आत्महत्या, बीते कई दिनों से परेशान चल रहा था युवक। लखनऊ के हजरतगंज में कैलाश कला बिल्डिंग में लगी आग, रिपेयरिंग का कार्य के चलते लगी आग, आग किसी तरह का नहीं हुआ नुकसान। देवरिया छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर छात्रों में आक्रोशित, कॉलेज कैंपस में छात्रों ने जमकर की नारेबाजी। श्रावस्ती में किडनी चोर की आशंका में ग्रामीणों ने महिला को पकड़ा, ग्रामीणों ने महिला को पकड़कर पुलिस को सौंपा। योगी कैबिनेट में 15 प्रस्ताव पास, कीट रोग नियंत्रण के लिए 19 करोड़ मंजूर, 19 सितंबर से शुरू होगा मानसून सत्र। आजमगढ़ में ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम, कोटेदार पर मनमानी का आरोप, 1 घंटे बंद रहा ट्रैफिक। मुरादाबाद में पीएनजी गैस पाइपलाइन में लगी आग, गैस के मीटर में ब्लास्ट, पाइपलाइन से उठने लगी आग।
बांदा में कोटेदार के खिलाफ ग्रामीणों का कमिश्नर कार्यालय में प्रदर्शन, कार्ड धारकों को आज तक नहीं दिया राशन। बहराइच में महिला की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने चाकू से किया हमला, एएसपी बोले जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। बलिया में गंगा के जलस्तर ने बढ़ाई परेशानी, किनारों पर तेजी से हो रहा कटान, नदी की लहरों में समाई पुलिया। इटावा में युवक के ऊपर से गुजरी ट्रेन, जिंदा बचकर निकला, प्लेटफॉर्म पर रखे बॉक्स से पैर टकराने से पटरी पर गिरा था युवक। आगरा में सेंट क्लेयर्स स्कूल के वैन का एक्सीडेंट, वैन में सवार थे 15 बच्चे, एक बच्चे का दांत टूटा, दो को आई हल्की चोटें। कुशीनगर में 20 हिंदू परिवारों ने लगाया मकान बिकाऊ का पोस्टर, बोले मुस्लिम प्रधान पति घर गिराने की दे रहा धमकी। शाहजहांपुर में शराबी सिपाही का गाली गलौज करते वीडियो वायरल, मृतक बच्चे के परिवार को दे रहा था गाली, एसपी ने किया सस्पेंड। हाथरस में चिता बुझाकर पुलिस ने विवाहिता का शव निकाला, बहन बोली मार कर जलाया, 2 माह पहले हुई थी शादी। फिरोजाबाद में होटल के कमरे में लटका मिला युवक, दरवाजा तोड़कर पुलिस ने बाहर निकाला शव, वजह तलाशने में जुटी पुलिस। बलिया में बाजडी के दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमीनी विवाद में घायल दो, जिला अस्पताल रेफर, मौके से तमंचा बरामद। बदायूं में मृत गोवंश को बांध कर खदेड़ा, एफआईआर, बरेली मथुरा हाईवे पर बस की टक्कर से हुई थी मौत। आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने पर एसपी ऑफिस पहुंचे ग्रामीण, बागपत में दर्जनों लोगों ने की थी सेल्समैन की पिटाई। आगरा के नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, विज्ञापन प्रभारी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।